पिछली बार भी कहा, पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, हिंदुस्तान ने तो कभी पहल की नहीं। पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई कि हमारी फौज नारे लगाने जानती है। बिल्कुल अपने भगवान का कोई धर्म हो, को मजहब हो, नारा लगाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हिफाज़त तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। जिस जवान पहले भी नारा लगाता था 71 की जंग में और अब तक नारा लगाता है पठानकोट दीनानगर की घटना के बाद, महान वो मुसलमान फौजी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, और आपके सात टैंकों को अपनी शहादत दे के कुर्बान कर दिया था, वो हिंदुस्तान की धरती है। इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ एम एस बिट्टा जी हैं। कितने वर्षों के बाद 71 जंग की बात को दोहराया और अपनी गलती मानने की बजाय हिंदुस्तान को कह दिया हम अभी भी तैयार खड़े भी कभी भी जंग कर लो। पहले तो इनको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। जिस जवान पहले भी नारा लगाता था 71 की जंग में और अब तक नारा लगाता है पठानकोट दीनानगर की घटना के बाद, दूसरी बात इनको हम बता दें, पिछली बार भी कहा, पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, हिंदुस्तान ने तो कभी पहल की नहीं, पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई। अगर पठानकोट दीनानगर की घटना, अगर मोदी जी के जाने के बाद पाकिस्तान में, के दोनों देशों में शांति रहे, पुलवामा की घटना 40 जवानों के शहीद होने के बाद जब पाकिस्तान ने पहल की, फिर हमारे जवानों ने कमी नहीं छोड़ी। वो कह दिया उनको जब प्लेन लेके गए बालाकोट के अंदर, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है, और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके इनके कैंपों को तबाह करके हमेशा के लिए इनके आतंकवादियों पर समाप्त करके आ गए। ये मित्रा सर, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी सुनवाना चाहते हैं अपनी इस फेवरल स्पीच में। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा, अलग अलग लोगों ने, कुछ मलिक ने, दूसरों ने बात की कि हमारी फौज नारे लगाने जानती है। बिल्कुल अपने भगवान का कोई धर्म हो, को मजहब हो, नारे लगाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अब्दुल हमीद को जानते हैं आप, यूपी की धरती का, हिंदुस्तान का वो योद्धा, जंग चल रही थी तो आपके सात टैंक, आठ टैंक, अब्दुल हमीद ने अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके जब हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा किया था, क्या नारा लगाया था बताऊंगा आपको, महान वो मुसलमान फौजी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, और आपके सात टैंकों को अपनी शहादत दे के कुर्बान कर दिया था, वो हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ जब हमारा जवान लड़ाई लड़ता है ना, अंदर लाल खून से निकलता है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा मजहब नहीं, मेरा मजहब धर्म एक है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम। दूसरा, मैडम मलिक ने बात की आरएसएस के बारे में, आरएसएस को जैसे आपके अंदर पॉलिटिक्स की गिरावट थी, हमारे अंदर भी पिछले समय में कुछ राजनीति गिरावट ने आरएसएस को कुचलने की कोशिश की, आरएसएस को दबाने की कोशिश की। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, बचपन से कांग्रेसी हूँ, आरएसएस की असलियत हिंदुस्तान के सामने हम लोगों को भी अब पता चली कि आरएसएस की वो शक्ति, वो ताकत, जिनका काम सत्ता कुर्सी नहीं है, जिसका काम है सीमाओं की रक्षा करना, विद्वान, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी अपने परिवारों को छोड़ करके, सब कुछ बच्चों को छोड़ करके आ जाते हैं और निकल जाते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। जितनी आपकी सीमाएं है ना, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, आरएसएस के लोग मौत का कफन बांध करके, कोई उनका मकसद वोट फटा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों।